नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं और संविधान बदलना चाहें तो संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए, देश में संविधान के साथ जो उसकी मूल भावना है, जो अधिकार दिए गए हैं, उसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होगा, कोई भी फेरबदल नहीं होगा। लेकिन बिहार के एक बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव, हमेशा जब भी विपक्ष का शासन आता है संविधान बदलने की ही बातें करते हैं, देश टूटने की ही बातें करते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाई थी भाजपा ने, उस समय भी लालू यादव का भाषण काफी प्रचलित हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब देखना है कि देश जो है टूटता है या बसता है। देश टूट जाएगा अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन 10 साल हो गए और अभी तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं आया है जो कि देश के संविधान में बड़ा फेरबदल या परिवर्तन करने वाला हो। लेकिन लालू यादव रट लगाए हुए हैं और फिर से जब प्रथम चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और अपने ट्विटर पे यानी सोशल मीडिया एक्स पे जो है उन्होंने एक लेख लिखा है और उसमें संविधान बदलने की भी बातें कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि लालू यादव के पास जो है बीजेपी और आरएसएस को लेकर बस यही दो नारे बचे हुए हैं, संविधान बदल देंगे, देश तोड़ देंगे। और यही जो है काट की हाड़ी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी लालू यादव चढ़ा रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है एएनआई को और लिखा भी है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार संविधान बदलने और समाप्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और इनके शीर्ष नेता इन पर कुछ कार्रवाई करने की बजाय इनके बदले उन्हें इनाम स्वरूप चुनाव लड़वा रहे हैं। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि इन्हें संविधान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों से समस्या क्या है। संविधान बदल के ये देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये लोगों को आरएसएस और पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस देश के दलित, पिछड़ा और गरीब लोग मिलकर इनकी आंखें निकाल लेंगे। बार बार संविधान बदलने की बात कर ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है, किसी अरे गरे बाबा ने नहीं। लोकतंत्र में यकीन रखने वाले इस देश के न्यायप्रिय, अमन पसंद और दलित पिछड़ों तुम्हें औकात मिला देंगे, तुम कौन होते हो संविधान बदलने वाले। यानी कि संविधान बदलने को लेकर फिर से पुराना राग लालू यादव ने अलापा है। और बता दें आपको, हम पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश में शासन है और ऐसे कोई भी संविधान संशोधन नहीं किए गए हैं जो संविधान की मूल भावना से अलग हो। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने ये खुद ही दावा किया कि बाबा साहब भी अब आ जाएं तो भी हम संविधान को न बदलने दे सकते हैं, न खत्म कर सकते हैं। उनके कहने पर भी ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि देश ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया है, अंगीकार कर लिया है और देश के लिए यह संविधान काफी आवश्यक है, सही है। लेकिन लालू यादव जो है वो लगातार संविधान बदलने को लेकर, आरएसएस को लेकर वही अपना पुराना राग। और फायदा भी क्या होता है, फायदा यही हो रहा है, फायदा क्या कहें, नुकसान ही हो रहा है कि लगातार राजद जो है उनका जनाधार सिमटते जा रहा है। लालू यादव को समझना चाहिए कि आज बीजेपी पिछड़ों में, दलितों में सभी जगह अपना स्थान बना चुकी है और यही लोग उन्हें प्रधानमंत्री बना के भेज रहे हैं, वो भी पूर्ण बहुमत से। लालू यादव या जो भी संविधान के पैरोकार रहे हों, इतने वर्षों तक केंद्र की राजनीति में रहे लेकिन गठबंधन की सरकार चलते रही, किसी को भी जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया 1984 के बाद। लेकिन 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 19 में भी मिला और जो अभी संभावनाएं जताई जा रही है उससे भी ये साबित होता है कि एक फिर से बड़ा जनादेश बीजेपी लेकर सत्ता में आ सकती है। तो स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है, केवल संविधान बदल दिया जाएगा और देश टूट जाएगा यही बातें करके जनता को मैसेज देना चुनाव के समय में, जनता भी उब गई है। लेकिन लालू यादव मानने को तैयार नहीं है, फिर से उन्होंने संविधान बदलने और न जाने कैसे कैसे आरोप जो हैं जो लगाते रहते हैं आरएसएस पर, बीजेपी पर लगाते हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिया है इसको लेकर। तो देखिए अब जनता जो है उन पर कितना असर होता है लालू यादव के इस अपील का, इस भाषण का, इस बयान का,
हालांकि लालू यादव जब से आए हैं राजनीति में तब से उनका यही रट रहता है, संविधान बीजेपी बदल देगी, नागपुर से सरकार चलेगा, आरएसएस जो है उनका सपना ही है देश में संविधान बदलना, दलितों पिछड़ों शोषित के साथ जो है उनका अधिकार छीनना, न जाने तरह तरह की बातें कही जाती है। लेकिन लालू यादव ने फिर से संविधान बदलने को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा इस आज से दो तीन दिन पहले ही ये साफ साफ कहा जा चुका है कि हमारे संविधान की तरफ कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, छू नहीं सकता है, न बदल सकता है, न खत्म कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।